हरौठा में वर्षों से विकास कार्य न होने से ग्रामीणों में ग्राम प्रधान के खिलाफ खासा आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गांव में विकास कार्य नहीं होंगे वे ग्राम पंचायत चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। हाथरस सादाबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत अरौठा में काफी समय से विकास कार्य न होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। वहीं आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में वोट न देने की बात कर रहे हैं। चुनाव बहिष्कार की ग्रामीणों ने ऐलान किया। बता दें कि हाथरस जिले के सादाबाद विकासखंड के ग्राम पंचायत अरौठा के निवासी नाली खरंजा को लेकर काफी परेशान है और आने वाले चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट न देने की बात कह रहे हैं। जब ग्राम अरौठा के निवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रधान ने किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं कराया और हम चाहते हैं हमारे आने वाला प्रधान ऐसा हो जो विकास कार्यों को कराए, वहीं हमारी बात सुने, शिक्षित हो और हमारे साथ हर समय खड़ा रहे। महिपाल सिंह, हाथरस, समाचार 24। आज हम हाथरस जिले के सादाबाद तहसील के ग्राम अरौठा ग्राम पंचायत में खड़े हैं। पिछले प्रधानी के चुनाव हुए और उसमें पिछले जो ग्राम प्रधान हुए उनके विकासों को ग्रामवासियों से जानते हैं। अगला प्रधान किस तरीके का होना चाहिए, क्या उसको विकास कार्य करना चाहिए, इस तरीके से ग्रामीणों से बात करते हैं। ग्राम अरौठा के ग्रामीण, पिछला आपका प्रधान कैसा रहा? वो बढ़िया रहा, कोई खांचा बंधन नहीं करे, कोई काम नहीं करे, वाले किसी तरीके का कोई विकास नहीं किया। कुछ नहीं किया। आगे आने वाला प्रधान आप कैसा चुनना चाहते हैं? बढ़िया विकास हो गया था। विकास विकास में जैसे क्या? जैसे अभी रास्ता है, आम रास्ता है, और मतलब जनता की आम रास्ता है, ये भी अच्छे से नहीं हो पाई है। रास्ता नहीं हो पाया, रास्ते में क्या क्या परेशानी है? स्कूल है, बच्चे भी नहीं जा पाते, अच्छे गिरते हैं, बारिश आ जाते हैं तो ये यहाँ तक ब्लॉक हो जाता है। इतने दिन से ये कार्य नहीं हो पाया, आठ साल हो गई सर, आठ साल से नहीं हो पाया, आठ साल से काम नहीं हो पाया। तो आपने प्रधान के अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी को बताया? सर सबको बताया है, कुछ नहीं हो पाया है। अब कैसा प्रधान चुनना चाह रहे हैं? ऐसा हो कि पहले तो हमारे जड़ को साफ कराए, इसकी जड़ को साफ कराए, यानी कि आपके ये रास्ते को साफ कराए, रास्ते को साफ कराए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित चाहते हैं, कैसा किस तरीके का प्रधान चाहते हैं? शिक्षित के बारे में तो ये है कि ऊपर से जब शिक्षित आएंगे तो पढ़ाई होगी, यहाँ पे आते हैं बैठे रहते, एक दो आता है और आते नहीं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव की तारीख नियत हो चुकी है, आप सबको पता होगा, वही काम है। 30 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं, ठीक है ना? 30 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं। उस चुनावी मुद्दे को लेकर हम आपके पास आए तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो प्रधान हो वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो बता दीजिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अलावा हम लोगों की समस्याओं को सुने और उनको सुलझाए। क्या क्या समस्याएं जैसे आने वाली आप? आने वाली समस्या जैसे हमारे ये कीचड़ साफ होनी चाहिए, नल भी, हेडपम्प भी खराब लगे हैं, उनको सही कराए और लोगों की हरेक प्रत्येक लोगों की समस्या सुलझाए। गांव की जो मूलभूत समस्या है, ग्राम पंचायत अरौठा की मूलभूत समस्याओं को ग्रामीण हमें दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। कैमरा जरा उधर दिखाएंगे किस तरीके की समस्याएं हैं। क्या समस्या है आपकी? गांव में प्रधान कैसा होना चाहिए? क्या प्रधान तो अब जो तो आतुई है, पर जो कीचन तो हमारे साथ बालक ने नए नए मोटे पतरे सब तरह के बालक ने क्रॉस कर रहे हैं, रोज निकालते हैं, हम परेशान, जनता परेशान, पूरा गांव परेशान है। जाकी जब प्रधानी रही थी तो प्रधान से आपने पैसा ही नहीं आया, क्या देता है? घर बेचू, खेत बेचू, क्या बालक बेच दू? समस्या ये है लोगों की, यहाँ करंजा पे कितनी एप्लीकेशन लग गई, कोई आज तक नहीं आया, लिख लिख के ले गए। रास्ता
निकलने के लिए नहीं है, पानी के लिए निकलने के लिए ग्रामीणों का कहना है कि ये मेन स्कूल का खर्चा है, जहाँ से स्कूल के लिए रास्ता भी जाता है। GIC कॉलेज, प्राइमरी और जूनियर तीन स्कूल। ग्रामीणों से जानते हैं कहाँ के लिए जाता है ये रास्ता? ये सर GIC स्कूल के लिए और कन्या पाठशाला प्राइमरी स्कूल के लिए और जूनियर के लिए। कैसे आप निकलते हैं इस रास्ते से? सर क्यों बरसात में तो घोंटू घोंटू पानी रहता है, निकलते हैं ऊपर है के दर स्कूल होली की जगह। पिछले ग्राम प्रधान ने कोई भी किसी भी तरीके का विकास नहीं कहीं किया है? किया है, ये धर मोहल्ला में तो शिक्षित होना चाहिए जनता के साथ, शिक्षित होना चाहिए जनता के साथ। तो आज ग्रामीणों से हमने मिलके जाना कि ग्राम प्रधान कैसा होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान शिक्षित होना चाहिए, विकास को करे और विकास के बारे में लोगों को बताए। के लिए पाँच साल है यहाँ ना यूँ करियो के यहाँ यहाँ कर दो। प्रधान भी नहीं आता इधर, जहाँ करना है तो आप प्रधान को वोट देंगे? हम ना देंगे पनेरे हुआ। अच्छा क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है क्या करे भैया रास्ता, हम सात साल के हम लेकर भी दुख पाए, पानी न महके घोटू न महके लेकर तो अब हम कहाँ जाए, हम पे तो चलो ना जाए। और अब या कीचड़ में गिरेंगे तो मरेंगे बचेंगे, रपटे को पाओ तो मोगाड़ के गिर गए तो हमारे तो सांस की बीमारी है तो मर जाएंगे। बता तो अब वोट किसको दोगे अब आने वाले प्रधान में? जो बनाएगा उसको, जो कोई भैया अच्छो आदमी होगा वो देंगे हम। सही बात है, अल्लू तो हम पनेरे उड़ा देंगे वही चाने, इतना ना खंदो लेकर जो है लेटरिन के पैसा मिले 12,000 सब खाएगो, चार मीटर नहीं लगाएगो या डिब्बा ठाड़ो करेगो सब खाएगो। चुनाव को लेकर के चुनाव को ये खरंजा बिल्कुल ठीक कर पाया है, ये बिल्कुल ये कराएगा उसे ये प्रधान वोट देगी, सौरा वोट देगी हमेशा किसी को ना, बिल्कुल ना दे रही ना जाएंगे। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों खरंजा में समस्या विकास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप वोट जाएंगे ना? मुझे पूरे पूरे जहाँ मोहल्ला को तो बिल्कुल एक ही जाएगा। वार्ड नंबर 3 से वैसे मेन चीज गांव का रास्ता है, कोई प्रधान को वोट नहीं दिया जाएगा जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। हाँ जी ऐलान चाहिए हमारी ओर से, तो खरंजा कराओ भाई वोट देंगे। अच्छा वोट के लिए यानी कि विकास के लिए आप इसका बहिष्कार करना चाहते हैं? हाँ जी विकास कार्य करेगा तो हम वोट देंगे, नहीं हम नहीं दे रहे। आप घर जाओ। तो विकास कार्यों को लेके ग्राम अरोठा में हमने ग्रामीणों से बात की, उनका कहना यह है कि हम किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। महिपाल सिंह, समाचार 24, सादाबाद।